Hi everyone, my name is Sarabjit Kaur and today I will show you how you can translate your sentence into English. और आज जो हम बात करेंगे वो एक टेंस की बात करेंगे और टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस. तो सबसे पहले पहचान, हिंदी में क्या पहचान रहेगी इस टेंस की, वो है लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे. ये वर्ड्स लगे होंगे जो आपको पहचान करवाएंगे कि आप इसी टेंस को ट्रांसलेट करने जा रहे हो. तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूलाज हैं और जो आज हम सेंटेंसेस करने जा रहे हैं वो है नेगेटिव. जी हाँ, अफर्मेटिव हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है तो आज हम करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस. तो उसके लिए टू फॉर्मूलाज गिवन हैं बोर्ड के ऊपर, फर्स्ट फॉर एक्टिव एंड सेकेंड फॉर पैसिव. फॉर एक्टिव आप स्टार्ट करोगे सब्जेक्ट के साथ, फर्स्ट जो आप लगाओगे सब्जेक्ट, देन शैल और विल, देन नोट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा पार्ट. एंड फॉर पैसिव आप यूज करोगे ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट, देन शैल और विल प्लस नोट प्लस हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट एंड प्लस एक्स्ट्रा पार्ट. तो हम ट्रांसलेशन करते हैं. फ्रेंड्स ध्यान से देखिए हमने ट्रांसलेशन करना कैसे है इन फॉर्मूलाज की हेल्प से. तो हमारे पास सेंटेंस गिवन है, फर्स्ट सेंटेंस है हॉल से कल शाम तक चेयर्स रिमूव नहीं की जा चुकी होंगी. तो हमने फाइव स्टेप्स को फॉलो करते हुए इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है. तो फाइव स्टेप्स यहाँ बोर्ड पे गिवन है. फर्स्ट है वर्ब, हमने वर्ब को फाइंड आउट करना है कि इस सेंटेंस में वर्ब है क्या. जी हाँ, वर्ब इसमें जो है वो है रिमूव. रिमूव करना वर्ब होती है तो इसको मैं एक बार अंडरलाइन कर देती हूँ. अगर आपको ये चीज़ें समझ नहीं आती कि वर्ब होती क्या है तो आप प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हो, तो ये मैंने अंडरलाइन कर दिया है. नेक्स्ट स्टेप है सब्जेक्ट, हमने सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है कि सब्जेक्ट है क्या. उसके लिए हिंदी में तो क्वेश्चन है कौन या किसने, इसमें से एक क्वेश्चन हम अपनी वर्ब को पुट करेंगे और हमें सब्जेक्ट पता चल जाएगा. कैसे देखते हैं, यहाँ पर मैं क्वेश्चन लगाती हूँ किसने रिमूव नहीं की होंगी. जी हाँ, कोई आंसर नहीं आता क्योंकि चेयर को रिमूव करने वाला तो कोई है ही नहीं. इट मीन्स सब्जेक्ट मिसिंग है. देन नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं जो कि है ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है और एक क्वेश्चन की हेल्प से, क्वेश्चन क्या है किसको, किसको क्वेश्चन हमने वर्ब के साथ पुट करके देखना है, आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा. देखते हैं कैसे, यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन को पुट, किसको रिमूव नहीं किया होगा. आंसर क्या आता है, चेयर्स को. तो चेयर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है. देन नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट है कि ये एक्टिव है या पैसिव. जी हाँ फ्रेंड्स, अगर इसमें सब्जेक्ट होता तो ये एक्टिव होता. मींस अगर मैं बात करूँ पैसिव की तो दो पहचान रहती हैं, या तो उसमें सब्जेक्ट मिसिंग होता है या सब्जेक्ट के साथ दोबारा वर्ड आ जाता है. अब आपने देखा कि यहाँ पे तो सब्जेक्ट मिसिंग है तो ये क्या है, ये पैसिव सेंटेंस है. नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो है टेंस कौन सा है. तो आपको ये लास्ट वाले वर्ड बता रहे हैं चुकी होंगी कि आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हो. अब हमने ये भी देख लिया कि ये पैसिव है तो पैसिव का फॉर्मूला अप्लाई होगा, लेकिन उससे पहले आपने ये भी देखना है कि ये वर्ड्स क्या हैं. तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक तो टाइमिंग आई है कल शाम तक, तो इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा टाइम. जो भी टाइम रहेगा प्लेस रहेगी एक्स्ट्रा टाइम, या आप ये भी बोल सकते हो कि मे से या पर के साथ जुड़ करके जो वर्ड्स आते हैं वो हमेशा एक्स्ट्रा पार्ट में होते हैं. तो जो हाल से है ये भी एक्स्ट्रा पार्ट है, तो यहाँ पे टू एक्स्ट्रा पार्ट्स आपको मिले हैं. तो हमने हर वर्ड को एक रिकॉग्नाइज एक बार कर लिया है. हमें ये भी पता है कि हमने पैसिव का फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो जस्ट आपने फॉर्मूला देख के उसको पुट कर देना है. कैसे, फर्स्ट है ऑब्जेक्ट, तो मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट ढूंढूंगी और यहाँ पे लिखूंगी. कैसे, ऑब्जेक्ट है चेयर्स. देन है शैल और विल. हमेशा याद रखिए कि आई और वी के साथ ही शैल आता है, वाक्यों के साथ विल, तो मैं यहाँ पे विल लगाऊंगी. नेक्स्ट है नोट. जी हाँ, इसमें नहीं वर्ड है तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस है, नोट लगेगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूलाज. देन है हैव. आफ्टर दैट बीन. देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और रिमूव की थर्ड फॉर्म रहेगी रिमूव्ड. देन बाय और सब्जेक्ट. आपने देखा कि इसमें सब्जेक्ट तो मिसिंग था, सब्जेक्ट मिसिंग है तो हम बाय भी यूज नहीं करेंगे, ये स्किप हो गया. देन एक्स्ट्रा पार्ट. जी हाँ, एक्स्ट्रा पार्ट क्या आएगा, होल से और कल शाम तक. तो मैं एक्स्ट्रा पार्ट लगाती हूँ होल से, फ्रॉम द होल. देन कल शाम तक, इट मीन्स टुमोरो इवनिंग, बाय टुमोरो इवनिंग. इस वे
से हमने इजीली इस सेंटेंस को तो ट्रांसलेट कर लिया है, और सेंटेंस है क्या, सेंटेंस है चेयर्स विल नॉट हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम द हॉल बाय टुमारो इवनिंग, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस है मैं नेक्स्ट वीक तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर चुका होऊंगा। तो उन्हें फाइव स्टेप्स के साथ मुझे लगता है आप इजीली कर लोगे, तो करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट है वर्ब, वर्ब को ढूंढना है। जी हाँ, इसमें वर्ब क्या है, कंप्लीट करना, कंप्लीट करना यहाँ पे वर्ब है। देन है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए हमने वही क्वेश्चन पुट करने हैं वर्ब को, तो क्वेश्चन पुट करते हैं किसने कंप्लीट नहीं की, आंसर क्या आता है, मैं, या कौन कंप्लीट नहीं करेगा। इस वजह से भी आप क्वेश्चन पुट कर सकते हो, कौन या किसने, दो क्वेश्चन से पुट करने हैं कि करने वाला है कौन, एक्चुअली इसमें है मैं सब्जेक्ट है। देन करते हैं नेक्स्ट स्टेप को फॉलो, जो कि है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के लिए हमने क्वेश्चन पुट करना है किसको, तो क्वेश्चन अगेन कंप्लीट को ही हम पुट करते हैं जो कि वर्ब है, किसको कंप्लीट नहीं किया जा चुका होगा, आंसर आता है प्रोजेक्ट को, इट मीन्स ये ऑब्जेक्ट है, तो इसको भी मैंने अंडरलाइन कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप है कि हमने देखना है कि एक्टिव है या पैसिव। जी हाँ, इसमें ना तो सब्जेक्ट मिसिंग था और ना ही सब्जेक्ट के साथ दोबारा वर्ड आया, इट मीन्स ये क्या है, एक्टिव। फिर एक वर्ड पेंडिंग रह जाता है जो वो है नेक्स्ट वीक तक, आप समझ गए होंगे कि ये भी टाइम है तो ये एक्स्ट्रा पार्ट में आएगा, तो यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा पार्ट लिख देती हूँ। देन लास्ट का जो स्टेप है टेंस, टेंस कौन सा है, जी हाँ ये वर्ड लास्ट के वर्ड आपको रियलाइज कराएंगे कि आप इसी टेंस की बात कर रहे हो, तो हम इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। एक्टिव है तो एक्टिव का फॉर्मूला अप्लाई होगा, एक्टिव में फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल यूज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आई, देन शैल और विल, आई और वी के साथ हमेशा क्या आएगा, बिल्कुल सही, शैल। देन नॉट, जी हाँ नेगेटिव है, नहीं वर्ड आया तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग नॉट लगाया मैंने। देन है हैव, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कंप्लीट की थर्ड फॉर्म, इट मीन्स कंप्लीटेड। देन है ऑब्जेक्ट, जी हाँ ऑब्जेक्ट है प्रोजेक्टेड, प्रोजेक्ट लिखूंगी। देन एक्स्ट्रा पार्ट, जी हाँ एक्स्ट्रा पार्ट है ये टाइम जो है नेक्स्ट वीक तक, इट मीन्स बाय द नेक्स्ट वीक। तो सेंटेंस है आई शैल नॉट हैव कंप्लीटेड प्रोजेक्ट बाय द नेक्स्ट वीक, तो इस वजह से हमने इस सेंटेंस को भी इजिली ट्रांसलेट कर लिया है। आप भी इस वजह से ट्रांसलेशन करना सीख सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत अच्छा है आपके लिए इंग्लिश सीखने के लिए, तो एक सेंटेंस यहाँ पे गिवन है जो आपने सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में आपने इसका आंसर डालना है, और सेंटेंस क्या है, कल तक टिकेट्स कैंसिल नहीं किए जा चुके होंगे, तो आप जल्दी से जल्दी इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में डालिए, पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है, और नेक्स्ट उसके अकॉर्डिंग हम वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।